बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आई एम अब्दुल रहमान शेख, मॉस्को गर्ल्स हाई स्कूल, बेलगाम। आवर टुडेज टॉपिक इज डायलॉग कंपल्शन। अजीज तुलबा और तालिबात, इससे पहले कि हम अपनी क्लास शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायलॉग क्या होता है। डायलॉग एक मुकालमा होता है। डायलॉग इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्संस। ये कन्वर्सेशन उस्ताद और स्टूडेंट के दरमियान भी हो सकती है, बाप और बेटे के दरमियान भी हो सकती है, दोस्त और दोस्त के दरमियान भी हो सकती है, बेटी और बाप के दरमियान भी हो सकती है। यानी दो शख्स आपस में कोई बातचीत करें तो उसे डायलॉग कहते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है डायलॉग कंपल्शन पार्ट फर्स्ट, जो कि आज हम पहली बार डायलॉग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने मुख्तसर एक छोटा सा डायलॉग आपके लिए चुना है, वो भी एक उस्ताद और स्टूडेंट के दरमियान, उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान एक गुफ्तगू हो रही है। तो आज मैंने ये बेहतर जान लिया कि क्यों ना आज हम पहली क्लास में एक मुख्तसर सा डायलॉग सीखने की कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ एक उस्ताद और स्टूडेंट उसके स्टूडेंट के दरमियान हो। तो अजीज तुलबा और तालिबात, आप यहां गौर से देखिए। गिवन बिलो इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर टीचर। तो एक कन्वर्सेशन नीचे दी गई है आप और आपके उस्ताद के दरमियान, यानी आप बहिस्त एक तालिब इल्म और आपके उस्ताद के दरमियान एक कन्वर्सेशन दी गई है। कंप्लीट द डायलॉग इन एनी सूटेबल वे। तो ये हमें किसी भी सूटेबल तरीके से हमें कंप्लीट करना है। जिस तरह से मैंने आज ये मतलब ये डायलॉग यहां पे कंप्लीट किया है, जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सेम हमेशा इसी तरह कंप्लीट हो। नहीं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें वर्डिंग भर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, ये जो डायलॉग टीचर और आपके दरमियान है, तो इसकी वर्डिंग क्या है, इसके सेंटेंसेस क्या है, तो किस किस्म की गुफ्तगू है ये, किस किस्म का डायलॉग है ये। सबसे पहले आप, यू, मे आई ए डैश डैश सर। तो अजीज तुलबा और तालिबात, एक खास बात यहां जहन में रखने की कोशिश कीजिए। आप एक खास बात याद रखिए कि कभी कभी दूसरे सेंटेंस को पढ़कर पहले सेंटेंस का आंसर निकलता है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा दूसरे सेंटेंस में से पहले सेंटेंस का, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर निकले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जब पहला सेंटेंस पढ़ लेंगे तो बिल्कुल साथ ही दूसरा सेंटेंस भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहां क्या है, पहला सेंटेंस है या गुफ्तगू का पहला जुमला है, मे आई ए, यहां तो ये खाली जगह है, डैश डैश सर। तो जब हम दूसरा पढ़ेंगे, यस कम इन, इसका मतलब ये हुआ कि यहां हमारे इस डैश डैश का मतलब आंसर निकला कि हमें इसमें क्या फिलअप करना है। यस कम इन, इसका मतलब ये हुआ कि
स्टूडेंट या आप अपने उस्ताद से अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं, तो इसलिए मे आई कम इन सर। तो दूसरे सेंटेंस में आपका उस्ताद आपसे कह रहा है यस कम इन, तो बी में डैश 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 डैश। तो यहां पर अगर हम पढ़ेंगे यू सर समवन हैज स्टोलन माय इंग्लिश बुक, तो देखिए यस कम इन बी डैश 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 व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यानी आपका उस्ताद आपसे कह रहा है कि हां अंदर आने की इजाजत है आपको, आइए अंदर, और फिर आपसे सवाल करता है डैश 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 हियर। तो सीधी सी बात है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कि किस बात के लिए आए हो आप, आपने अंदर आने की इजाजत किस लिए मांगी, क्या कहना है, क्या काम है आपको। तो आप कह रहे हैं अपने उस्ताद से आप गुजारिश कर रहे हैं सर समवन हैज स्टोलन माय इंग्लिश बुक, कि जनाब मेरी अंग्रेजी की किताब किसी ने चोरी से ले ली है। तो फिर आपका उस्ताद आपसे कह रहा है वेयर डी डैश डैश डैश, क्या फिर सवाल कर रहा है आपका टीचर आपसे कि वेयर डैश डैश डैश। तो ये पढ़िए इसका दूसरा सेंटेंस आई हैड केप्ट इट इन माई बैग सर, यानी जनाब मैंने इस किताब को अपने बैग में रखा हुआ था। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका उस्ताद आपसे सवाल कर रहा है कि आपने अपनी किताब कहां रखी थी, इसलिए यहां हमने फिलअप किया वेयर हैड यू केप्ट योर बुक, कहां रखी थी आपकी किताब। तो जवाब आपने दे दिया आई हैड केप्ट, क्योंकि जवाब यहां दूसरे सेंटेंस में इस सवाल का जवाब है, लिहाजा तो सवाल यहां से ही निकलता है। तो आई हैड केप्ट इट इन माई बैग सर, यानी आपका उस्ताद आपसे सवाल कर रहा है कि आपने किताब अपनी किताब कहां पे रखी थी, तो आप जवाब दे रहे हैं आई हैड केप्ट इट इन माई बैग सर, जनाब मैंने अपनी किताब को अपने बैग में रखा हुआ था। तो फिर से आपका उस्ताद आपसे सवाल कर रहा है, तो यहां कोई डैश डैश नहीं है, सीधी तरह से सवाल कर रहा है वेयर हैड यू पुट द बैग, तो वो बैग जो आपका था जिसमें आपने किताब रखी थी वो कहां रखा था, यानी बैग अपना कहां रखा था। तो सीधा जवाब है इट वॉज लाइंग इन द क्लासरूम सर, मैंने वो अपनी क्लासरूम में रखा हुआ था, मेरा बैग क्लासरूम में था। तो फिर आपका टीचर आपसे सवाल कर रहा है, लेकिन आगे ब्लैंक स्पेस है, तो देखिए वेयर ई डैश डैश डैश। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि इस दूसरे सेंटेंस से इस पहले सवाल का जवाब निकले, ये जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने ये आपसे पहले भी बता दिया है कि कभी कभी दूसरे सेंटेंस से जवाब निकलता है पहले सेंटेंस का, तो यहां पे नहीं निकलता है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जवाब निकलेगा दूसरे सेंटेंस से पहले सेंटेंस का। तो फिर से एक बार देख लीजिए वेयर ई डैश डैश डैश, तो यहां पे हमें अपना दिमाग लड़ाना है, अपनी सोच से काम लेना है, दिमाग से काम लेना है कि क्या यहां पे क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए। तो वेयर वेयर ऑल बॉयज ऑफ द क्लास, तो बाकी जो सब लड़के थे क्लास के वो कहां पे थे। टीचर डिड यू एफ डैश डैश डैश, तो अगर हम यहां दूसरे सेंटेंस नीचे देख लेंगे तो यहां पढ़िए यस सर आई आस्क्ड एवरीवन बट नन न्यू अबाउट इट, इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो ये खाली जगह है स्पेस है, तो क्या हम इसमें पढ़ने यहां से निकलता है, इसका मतलब यह हुआ कि उस्ताद आपसे पूछ रहा है कि आपने उन बच्चों से पूछ लिया है, तो लिहाजा हम डिड यू यहां पे डिड यू यहां पे लगेगा आस्क देम अबाउट इट, क्या आपने उन बच्चों से क्लास के तमाम स्टूडेंट से बच्चों से पूछ लिया है इस अपनी किताब के बारे में, तो यहां पे है आप जवाब दे रहे हैं यस सर हाँ जनाब आई आस्क्ड एवरीवन मैंने हर एक बच्चे से पूछ लिया है बट नन न्यू अबाउट इट, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी आज की ये क्लास, जिसमें हमारा आज का टॉपिक था डायलॉग कंपोजिशन पार्ट फर्स्ट, तो इस वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रही है इस वक्त की क्लास। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाली क्लास में हम फिर से डायलॉग कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी किस्म का डायलॉग हम उठा लेंगे। तो इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।